and I'm at Oxford Street trying to collect some donations for Shanti Sajal Research and Charitable Trust. मॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइज 2023 की फिनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। इससे पहले भी हमने अपराजिता से बात की थी। एक बार फिर से अपराजिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो डोनेशन मांगती हुई दिख रही हैं। अपराजिता, ये बताइए कि आखिर ये डोनेशन जो है वो क्या है, किस चीज के लिए डोनेशन जो है वो आप ले रही हैं? आपने बात की मेरे इंस्टाग्राम वीडियो की, जहां मैं लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में लोगों से डोनेशन मांग रही हूं। जी हाँ, ये मैं शांति सजल रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कर रही हूं, जो कि इंडिया में अंडर प्रिविलेज वुमेन और चिल्ड्रन के लिए काम करती है। ये उनको वो स्किल्स देती है ताकि वो लाइफ में अपने आगे बढ़ सके, और वो जो जिंदगी के लिए जो हमें एक जरूरत होती है वो एक मिनिमम अमाउंट वो अपने लिए रेज कर सके और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी जी सके। और साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहार के नवादा शहर के पास ही एक मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बिल्ड कर रही है, जिसकी नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है, और ये डोनेशन जो है ये सब उस हॉस्पिटल के बनने में जाएगा। और ये सारा जो इनिशिएटिव है ये भरत भ्रमर सर कर रहे हैं, जो कि हॉट मॉन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड के डायरेक्टर भी हैं। क्या डोनेशन के लिए कोई लिमिटेड अमाउंट है, या फिर आपके मन में जो भी है वो डोनेट किया जा सकता है? जो सारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जो लिंक है keto.organization की, जो ये लिंक है, इसके थ्रू जो भी डोनेशन हो, छोटा से छोटा अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, चाहे 50 रुपए हो, चाहे 100 हो, या 5000 हो, जो भी आपका दिल करे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए है जिसके बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगी अगर आप कुछ भी डोनेशन करें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक सवाल और है अपराजिता, ये बताइए कि जो व्यूअर्स हैं वो आपको वोट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इस पूरे वोटिंग का, वो जरा बताइए। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 की फाइनलिस्ट हूँ, और ये फाइनल जो है दुबई में होने वाला है। तो इसी का एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें मिसेज पॉपुलर 2023 है ये इस कंपटीशन का नाम, जिसमें कि आपको एक वीडियो है जिसमें कि मैंने अपने बारे में लोगों को बताने की कोशिश की है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अपने बारे में कुछ बातें कही हैं। तो आप ये लिंक जो है, जो मैंने शेयर किया है, इस लिंक के थ्रू आप जाके स्क्रोल कर सकते हैं। आप इस लिंक से जाएंगे तो आपको आपको वो मेन पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आप मिसेस पॉपुलर 2023 पर जाएंगे, और वहां पे जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे थोड़ा जाना होगा, क्योंकि मैं नीचे हूँ लिस्ट में। तो वहां पे आप मेरे नाम पे क्लिक करेंगे और वहां पे जाकर आप मुझे 5 स्टार दें और मेरे लिए वोट करें। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी इसके लिए। प्लीज मुझे मिसेस पॉपुलर 2023 बनाने में मेरी मदद करें। कब तक लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं, क्या कोई तय सीमा जो है वो रखी गई है? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 की फाइनलिस्ट हूँ, जिसका कि फाइनल दुबई में जून में होने वाला है। तो इसी का एक सब कंपटीशन चल रहा है, जो कि मिसेज पॉपुलर 2023 है, और इसको बनाने में आप सब मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। इसके लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं। इस लिंक पे जाके आपको मिसेज पॉपुलर 2023 में जाना है। उस पे अगर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके आप मुझे देख सकते हैं। फिर जब आप वहां पे जाएंगे, आप मेरे नाम पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपको एक अपना ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको बस ईमेल आईडी डालना है और एक ओटीपी आएगी आपके ईमेल आईडी पे। वो ओटीपी जब आप वापस इस पेज में आके डालेंगे तो फिर आप मुझे वोट कर पाएंगे। वोटिंग का ये तरीका है कि आपको मुझे 5 स्टार्स देने, आप स्टार पे जाके 5 स्टार पे क्लिक करेंगे तो वो वोट मुझे चला जाएगा। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज मुझे वोट करें और मुझे मिसेस पॉपुलर 2023 बनने में मेरी मदद करें। ये मिसेस पॉपुलर की लिंक जो है ये फिनाले तक वैलिड है, तो आप बस शुरू हो जाएं और मुझे वोट करें, और जून के महीने तक ये वोटिंग चलती रहेगी। मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी जितना हो सके शेयर करें और मुझे मिसेस पॉपुलर 2023 बनने में मेरी मदद करें।
आखिरी सवाल प्रज्ञा आपसे ये है कि आखिर घर को परिवार को मैनेज करती हैं, खुद आप डॉक्टर हैं, किस तरीके से इन तमाम चीजों को कर पाती हैं? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि मैं आई सर्जन हूँ, मैं अभी भी एक फुल टाइम ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करूँ और वो क्राउन पहनूँ, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ अभी। जब थोड़ा ये है कि जब से मैंने पैजेंट ज्वाइन किया तो एक बहुत ही पॉजिटिव सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है मुझ में। आई बिकम अ वेरी गुड मल्टी टास्कर, और जैसे ही मैं सुबह से जब से उठती हूँ और जब तक मैं बेड पे वापस सोने नहीं जाती, मैं उस वक्त का पूरा पूरा इस्तेमाल करती हूँ। वो सब मेरे सोशल मीडिया टास्क में जाता है। जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ वहां पे काम करती हूँ, उसके बाद मैं डांस करती हूँ और फिटनेस के लिए जिम जाती हूँ, फिर कुकिंग करती हूँ क्योंकि घर का काम भी साथ में करना होता है। तो ये सब कुछ मैं बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैं इतनी फोकस्ड हूँ अभी, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई 100% टू इट, एंड दैट्स व्हाई। और हॉट मॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड जो टाइटल है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है एट द स्टेज, एंड आई थिंक इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी एट द मोमेंट। और मैं उसकी ओर बढ़ रही हूँ, और वो टाइटल पाने के लिए मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू शशांक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज मुझे वोट करें, और शांति सजल रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए प्लीज डोनेशंस दें, और वेट करें कि मैं टाइटल पहनूं और बिहार और झारखंड दोनों का नाम रोशन करूं। थैंक यू सो मच।